नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस, जो कि है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ CHO रिक्रूटमेंट NHM उत्तर प्रदेश के द्वारा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन अभी निकल के सामने आई है, उसके बारे में। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। आज के इस नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही अपडेट्स पर इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज पाते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उन सभी को अभी एक मेल आया होगा थोड़ी देर पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ CHO रिक्रूटमेंट। तो ये noreply@kgmu.edu.in से 6:55 पर आया है, किसी को 2-4 मिनट आगे पीछे आया होगा। तो आप लोग अपना मेल चेक करिए जो मेल है। अब इसमें इंस्ट्रक्शन है, इन पे हम अभी डिटेल में जाएंगे, उससे पहले चैनल पे जो नए हैं ऐसे ही अपडेट्स भरी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके पास लेकर आए हैं सबसे पहले सबसे सटीक और वेरीफाइड जानकारी। टू ऑल द CHO कैंडिडेट, ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट एट कमला सेंटर ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी लखनऊ फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उन सभी को कमला सेंटर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी लखनऊ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना है। पोजीशन फॉर द रिक्रूटमेंट फॉलोइंग डेट, तो उन सभी को 13 जुलाई 2021 को 9:30 AM मॉर्निंग में रिपोर्ट करना है। 13 जुलाई 2021 को 9:30 AM में रिपोर्ट करना है। प्लीज़ फिल द अटैचमेंट फॉर्म विथ दिस ईमेल अलॉन्ग विद द सपोर्टेड डॉक्यूमेंट। तो जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होगा उन सबको, उनके मेल में एक फॉर्मेट आया होगा उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके उसको फिल करना है। जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, जैसे कि आपके रिक्वायरमेंट 10th 12th के से रिलेटेड, तो उन सभी को डॉक्यूमेंट्स को भी अपने साथ रखना है। एंड ऑल्सो कैरी ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज द जेरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड ऑफ देम। तो सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 10th के 12th के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता देता हूँ। आपको 10th का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आपके जो BSc का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के मार्कशीट, कोर्स कम्प्लीशन सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, किसी किसी का इंक्लूडेड होता है कोर्स कम्प्लीशन और इंटर्नशिप, तो वो सेम ही होगा, देख लीजिएगा, अलग अलग होगा तो वो दोनों। और उसके साथ आपको कोर्स कम्प्लीशन के बाद आपको प्रोविजनल डिग्री या ओरिजिनल डिग्री, उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर इशू किया गया होगा वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एंड उसके साथ ही आपको जो प्रिंसिपल का लेटर हेड जो साइन करके आपके को अपलोड करना था, फॉर्मेट ऑफ द प्रिंसिपल, ये आपको चाहिए। इन सभी के जीरोक्स कॉपीज आपको चाहिए, साथ ही साथ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने 6 से 8 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, इन सभी के साथ आप अपने सारे डॉक्यूमेंट के जो मैंने अभी बताए इन सब के जीरोक्स कॉपी, और जिनका डोमेसाइल उत्तर प्रदेश का जिन्होंने लगाया है वो अपना डोमेसाइल सर्टिफिकेट ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी। उसके साथ अगर किसी ने कास्ट बेसिस पे बेनिफिट लिया है रिजर्वेशन का, तो वो अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट OBC SC ST एंड क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट, इस तरीके का अगर कोई बेनिफिट लिया है तो उनके ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी भी उनको रिक्वायर्ड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। तो उन सभी फोटोकॉपीज को सेल्फ अटेस्टेड करना है, सेल्फ अटेस्टेड मतलब अपना साइन करके फोटोकॉपी पे रखना है, और ओरिजिनल कॉपी वेरिफिकेशन के लिए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको शो करना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की बात हुई। अब इसमें आपको ये जो पेज आपको दिख रहा है जिसको आपको डाउनलोड करना है, ये मैंने ओपन नहीं किया है, इसको हमारे पास अभी इतनी ही जानकारी आई है, आपको मेल पे ये सारा आ गया होगा, आप अपने मेल को ओपन करिए, वहाँ से डाउनलोड करिए, जिस पे आपको ये इस तरीके का मेल के नीचे एक दिखा होगा, ऊपर में सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अब इसमें एप्लीकेशन नंबर, नेम, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड नंबर और इसी तरीके से आपके जो भी है डिटेल्स मांगे गए हैं, सारे डिटेल्स आपको फिल करने हैं प्रिंट कराने के बाद। और आपको जो डेट डिक्लेयर किया गया है 13 जुलाई 2021 9:30 AM इन द मॉर्निंग आपको रिपोर्ट करना है कमला सेंटर ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ CHO। उसके बाद जल्दी ही
जल्दी ही इनका जो फाइनल लिस्ट है, ये प्रोविजनल लिस्ट है, उसके बाद फाइनल लिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसके बाद उनको सेंटर अलॉट किया जाएगा कि कहाँ पे उनकी पोस्टिंग है, जो 74 स्टेट्स की सेंटर प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया गया था, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा मेल के थ्रू या फिर गैजेट नोटिफिकेशन जो वेबसाइट पे है उसके थ्रू। तो आप सभी अभी अपना मेल चेक करिए, इसके बारे में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करिए, और ऑल द बेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हम आगे भी आपको ऐसे ही अपडेटेड करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी को भी शेयर करिए, जिससे बाकी लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए, जिससे आपको सारा इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे इस वैकेंसी से रिलेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।